4 अगस्त को पुलिस स्टेशन भद्रावती अंतर्गत रेलवे स्टेशन रोड मंजूषा लेआउट यहां के कंपनी का एटीएम फोड़ने की शिकायत दर्ज कराई गई। इस शिकायत के आधार पर पुलिस पदक ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर एटीएम मशीन का निरीक्षण किया। तभी प्रशांत वैद्य शिकायतकर्ता ने बताया कि उक्त मशीन में से 22,84,100 रुपए और एटीएम में से सीपीयू किसी अज्ञात व्यक्ति ने मशीन तोड़कर चोरी किया, जिसे पुलिस स्टेशन भद्रावती में गुनाह दर्ज किया गया। गुनाह दर्ज होते ही पुलिस पदक ने जांच को शुरुआत की। एटीएम मशीन को कौन सी वस्तु से तोड़ा गया, किस तरह से पैसा निकाला गया, इसकी जांच की गई। तत्पश्चात चंद्रपुर गढ़चिरौली एरिया के संपूर्ण एटीएम के मेंटेनेंस करने वाला एनसीआर कंपनी का इंजीनियर नितिन तुलसीराम गेटाम इसे बुलाकर पूछताछ की गई। साथ ही कैश लोडिंग करने वाले सीएमएस कंपनी के कैश लोडर मंगेश सुखदेव धाबरडे और गोपाल भावराव इंगोले इन्हें भी बुलाकर पूछताछ की गई। एटीएम मशीन का पूरा डिटेल निकाला गया। पुलिस को इसमें जानकारी मिली कि उक्त मशीन यह उस समय ना दुरुस्त होने से मशीन दुरुस्त करने के लिए इंजीनियर नितिन इसे बुलाया गया था। मशीन दुरुस्त और कैश लोडिंग के नाम पर तीनों ही व्यक्तियों ने योजना बनाकर मशीन में छेड़छाड़ कर 4 अगस्त को 16,00,000 रुपए और रात दौरान बची राशि ऐसा कुल 22,84,100 रुपए और एटीएम सीपीओ भी चुराया। इसे आरोपी नितिन तुलसीराम गीडाम निवासी गोपालपुरी चंद्रपुर, कैश लोडर मंगेश सुखदेव धाबरडे, गोपाल भावराव इंगोले बालाजी वार्ड गोपालपुरी चंद्रपुर, इन्हें 1 सितंबर को गिरफ्तार किया गया। आरोपी की ओर से अभी तक 8,00,000 रुपए चोरी की राशि जब्त की गई है। आरोपी के आगे की जांच के लिए पुलिस कोठड़ी ले गई है। उक्त जांच जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर महेश्वर रेड्डी इनके मार्गदर्शन में उप विभागीय पुलिस अधिकारी बरोरा नीलेश पांडे इनके नेतृत्व में स्थानीय गुना शाखा प्रभारी पुलिस निरीक्षक ओजी कोकाटे और भद्रावती पुलिस स्टेशन प्रभारी पुलिस निरीक्षक यादव इनके साथ सहायक पुलिस निरीक्षक सुधीर वर्मा पुलिस स्टेशन भद्रावती साथ ही भद्रावती पुलिस स्टेशन और स्थानीय गुना शाखा पथक यहां के पुलिस अधिकारी और कर्मचारियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 4 अगस्त का दिन भद्रावती पुलिस स्टेशन के अंतर्गत हिटाची एटीएम, इसको 4 तारीख रात अंदाज 12 बजे इसको लूटे गए थे। फिर उसके बारे में हम 5 तारीख में कंप्लेंट आई और पूरा इंफॉर्मेशन हमें 8 तारीख में मिली थी। पूरा 8 तारीख में जो हम फॉर्मली कंप्लेंट दिए थे, एफआईआर दाखिल करके फिर हम उसका तपास करने लगा। तपास में हमें ये समझ में आया कि जो नॉर्मली जो एटीएम चोरी होती है पूरा तोड़ के, नहीं तो पूरा एटीएम मशीन लेके जाते, वैसा ना होते हुए पूरा कोड डाल के एक पूरा सोफिस्टिकेटेड पद्धति में किए थे। फिर उस हिसाब से हम किसको ये इन्फॉर्मेशन होगी ऐसा, इस बारे पे हम तपास किया। अपने LCB लोकल क्राइम ब्रांच का टीम और लोकल पुलिस स्टेशन और SDPO तीनों टीम मिलकर तपास किए। फिर तपास में ये समझ में आया कि ये जो मशीन का NCR कंपनी का मशीन है, उसका इंजीनियर को ये इसके बारे में इन्फॉर्मेशन रहते और जो पैसा डालता है, जो ATM बैंक से ATM में डालने का एक कंपनी है CMS कंपनी, इसका 2 आदमी है मंगेश और गोपाल, इनको पास ये इन्फॉर्मेशन रहेंगे बोल के समझ में आई। उस दृष्टि में हम तपास किया। कल ये तीनों लोग ने उस कबूली दिया कि हमने उसका चोरी किए थे। जो गया हुआ 22 लाख का अंदाज पैसा में तकरीबन 8,40,000 तक हमने रिकवर किया है, बाकी भी रिकवर करने का हमारा प्रयास चालू है।